कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो रहा नीमा डिंगजोंग पा काफी ज्यादा पॉपुलर है। पहले स्टोरी लाइन कुछ ऐसी थी कि एक सिक्किम गर्ल होती है जिसे मराठी लड़के से प्यार हो जाता है और फिर उनकी शादी होती है। वेल इसी सीरियल में सुरभि दास का मेन रोल दिखाया गया है, वो भी नीमा का कैरेक्टर प्ले करते हुए। और यही ड्रामा सीरीज में हमें अक्षय केलकर की री एंट्री भी दिखाई गई थी, जिसमें काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिले थे। वेल अब ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि शो खत्म होने वाला है और शो का लास्ट एपिसोड भी शूट कर लिया गया है, जो कि 2 सितंबर को दिखाया जाएगा कि नीमा डिंगजोंगपा बाय बाय कर रही हैं। वेल ये तो कंफर्म है कि व्यूअर्स इस शो को और इस कास्ट को काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं, बिकॉज इस शो ने व्यूअर्स के दिलों में एक अलग ही जगह बना के रखी थी, हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स दे के रखे थे, जो कि अब ऑडियंस पक्के में मिस करने वाली है। इसी दौरान अक्षय केलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रैप पार्टी की कुछ ग्लिम्स शेयर की है और एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर की है, जिसे देखने के बाद सभी काफी ज्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हैं और काफी खुश भी हो रहे हैं कि कैसे पूरी की पूरी कास्ट इतना एंजॉय कर रही है। वेल पोस्ट की बात करें तो कई सारे ऐसे मोमेंट्स दिखाए गए हैं जिसमें सब एक साथ आकर एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और इसी में सब बहुत ज्यादा अपने अपनी बारी से अपनी अपनी बात रखते हैं। वेल ये तो तय रहा कि वीडियो को देखकर कि वहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट भी हुआ होगा, बिकॉज टीम का भी एक कनेक्ट बन चुका है एक दूसरे के साथ। अक्षय कैप्शन में लिखते हैं, एंड इट्स अ रैप, याद आएंगे ये पल, थैंक यू व्यूअर्स एंड फैंस। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है नीमा के इस बिडेड्यू एपिसोड को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बट टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।